हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ टर्म्स हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि बुककीपिंग होगी, अकाउंटिंग है, और अकाउंटेंसी के बारे में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है जनरली, वो आज हम देखेंगे। तो जो स्टार्ट करें बुककीपिंग से, बुककीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वट इज़ दिस? दिस इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जब भी हम अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, पहले हमारी आती है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, किस में करते हैं? जर्नल में, फिर लेजर में, फिर कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक एंड सो ऑन। सब्सिडियरी बुक्स हमारी बनती है। तो जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिन बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। आगे चलिए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज नॉलेज। किसकी नॉलेज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कंसेप्ट की, कन्वेंशंस की एंड रूल्स की, डायरेक्टेड टू द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। कहाँ पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ होंगे, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ होंगे, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा कन्वेंशन, कौन सा रूल यूज़ होगा, किस में? रिकॉर्डिंग में, क्लासिफिकेशन में, और एनालिसिस करने में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, इसी के साथ है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग। इसी की प्रैक्टिस कि पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर क्लासिफाई कर दिया, फिर समराइज किया, फिर डीलिंग की उसमें, फिर इंटरप्रेटेड किया, फिर कम्युनिकेशन की, फिर उसमें हमने रिलायबल रिजल्ट्स लिए, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट।